ताजपुर से गौमांस सप्लाई का मामला सामने आया है। उज्जैन पुलिस ने दो आरोपियों को 3.5 क्विंटल गौमांस के साथ पकड़ा। पशु तस्कर आवारा बछड़ों को कार में भरकर जंगल में काटकर बेचने का काम करते थे। दरअसल भवांसा थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह ताजपुर नाके पर मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कार में दो आरोपियों को 3.5 क्विंटल गौमांस के साथ हिरासत में लिया है। दोनों आरोपी ताजपुर से गौमांस को इंदौर सप्लाई करने जा रहे थे। आरोपियों का एक अन्य साथी भी जो फरार है। थाना प्रभारी गजेंद्र बचोरिया के अनुसार पूरी जानकारी के थाना भवांसा पुलिस ने गुरुवार सुबह मुखबिर की सूचना पर ताजपुर नाके से कार में गौमांस ले जा रहे आरोपी शैलेंद्र डोली निवासी देवास और राजू मेवाती निवासी ताजपुर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कार में 3.5 क्विंटल गौमांस के साथ धराए। यह आरोपी इंदौर सप्लाई करने जा रहे थे गौमांस, जिन्हें आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इनका एक और अन्य साथी मास्टरमाइंड वसीम फरार है, जो इस काम को काफी दिनों से कर रहा था। वसीम और उनके साथी आवारा मवेशियों को कार में भरकर जंगल में ले जाकर कत्लेआम कर उनका मांस अन्य जिलों में सप्लाई करते थे। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इंदौर भी जा सकती है और इनके ठिकानों पर दबिश देकर और भी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। रास्ते में उन्हें रोक कर चेक किया गया तो 2-3 आरोपी, जिसमें एक फरार हो चुका है, 2 पकड़े जा चुके हैं, एक ताजपुर का रहने वाला है, एक थाना क्षेत्र बैंक नोट प्रेस देवास का रहने वाला है और एक फरार हो चुका है, वो भी ताजपुर का रहने वाला है। उनको पकड़ा, इनके कब्जे से एक इंडिका गाड़ी सफ़ेद कलर की और उसके अंदर कुछ मांस मिला है, तो उनको पकड़ के अभी कोर्ट में पेश किया। PR पर अभी लेके आए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कहाँ से लेके आते थे और कहाँ ये सप्लाई करते थे।